खबरों की परख। हूँ सैयद अंजैदी और भारतीय लोकतंत्र के लिए आतंकवाद नासूर बन चुका है और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए इसे एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि आतंकवादी हमले में नुकसान हमेशा देश का ही होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश गुरदासपुर में आतंकी हमला। मैं हूं संजय मिश्रा और जिस तरीके से इस गुरदासपुर जो पंजाब का एक जिला माना जाता है और यहां पर जिस तरीके से जो पूरी की पूरी आतंकी वारदात की जा रही है, आज हम बात करेंगे पंजाब के गुरदासपुर जिले की जो पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यहां से अटारी स्थित वाघा बॉर्डर की दूरी 100 किलोमीटर और जम्मू में एलओसी की दूरी 60 किलोमीटर है। सोमवार तड़के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास गुरदासपुर में 3 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पंजाब के एसपी बलजीत सिंह समेत पुलिस के कई जवान शहीद हो गए और कुछ नागरिकों की मौत भी हो गई, जिसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पंजाब में साल 1995 के बाद पहली बार सोमवार को इतना बड़ा आतंकी हमला किया गया। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक के बाद एक किए हमले में 13 लोगों की जान ले ली। एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह सहित 7 पुलिस वाले शहीद हो गए, 2 कैदियों और 3 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। एक आतंकी पहले ढेर हुआ, बाद में दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया और इसके बाद भी कई आतंकी जो हैं वह सेना के निशाने पर हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है उसके बाद यह ऑपरेशन जल्द ही खत्म होगा। 20 साल बाद पंजाब ऐसे हमले का शिकार हुआ। साल 1995 में पंजाब में आतंकी हमले में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। आतंकियों ने सुबह पहले कटरा जा रही एक बस और फिर दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। दीनानगर पुलिस स्टेशन में घुसकर फायरिंग करने के कुछ घंटे बाद विस्फोट भी किया गया, रॉकेट लॉन्चर छोड़े गए, ग्रेनाइड से हमले किए गए। आतंकियों ने रेल ट्रैक पर भी बम बिछा रखे थे लेकिन उन्हें समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। बताया जाता है कि हमला करने वाले दस्ते में एक महिला भी शामिल है। सुबह 5 बजे यह हमला शुरू हुआ और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग चल रही थी। गुरदासपुर की घटना के बाद बढ़ाई गई संसद की सुरक्षा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में इन दिनों मानसून का सत्र चल रहा है। महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुंबई समेत पुणे और नासिक में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पठानकोट अमृतसर के बीच रेलवे ट्रैक पर मिले बम को डिफ्यूज करने पहुंचे सेना के एक्सपर्ट। गुरदासपुर की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सांभा को पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब में सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी ट्रेनों पटरियों की रेलवे पुलिस लगातार जांच कर रही है। पंजाब आने और यहां से जाने वाली बसों गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश जिस तरीके से युद्ध स्तर पर चल रहा है उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो नापाक मंसूबे लेकर आतंकी घुसे हैं भारतवर्ष में उससे उनका जो मंसूबा है वह सही नहीं है। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान आतंकी भेज रहे हैं भारत में। पंजाब में आतंकी हमला खुफिया विभाग की नाकामी कही जा सकती है। और पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आईबी ने इसकी इनपुट्स, आईबी ने आतंकी हमले की जानकारी पहले दे रखी थी तो आखिर क्या वजह है कि सीमावर्ती इलाकों को सील क्यों नहीं किया गया। बात की जाए बॉर्डर की, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, तो आखिर सुरक्षा में सेन कैसे लगी। एक के बाद एक लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों से पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष सन्न रह गया है। पहले आतंकियों के बारे में बताया गया था कि आतंकियों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। उसके बाद यह बताया गया कि आतंकी 10 से 12 हो सकते हैं और आखिरकार कयास ये लगाया गया कि आतंकियों की संख्या 12 से 15 के बीच में है। और यही कारण है कि एक तरफ सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, दूसरी तरफ एनएसजी के जवान और तीसरी तरफ पंजाब पुलिस लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है इस पूरे आतंकी वारदात के खात्मे को लेकर। और इसी चर्चा में हमसे जुड़ेंगे हमारे अपने सहयोगी कर्ण जोशी। कर्ण, आपका स्वागत है जी। और इसके अलावा और भी कई मेहमान टेलीफोन लाइंस पर जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि इस आतंकी वारदात के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का। आज प्रातःकाल ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पंजाब में कुछ आतंकवादी बॉर्डर के समीप एक पुलिस स्टेशन में घुस गए हैं और इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। प्रातःकाल ही मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, होम सेक्रेटरी और साथ ही कई अधिकारियों से बातचीत की है। फोर्स वहां उस स्थल पर रवाना की जा चुकी है, कार्रवाई चल रही है। इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि परिणाम की प्रतीक्षा की है। मैं अभी कोई कमेंट इस संबंध में नहीं करूंगा। अभी तक कार्रवाई चल रही है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम इस कार्रवाई में कामयाब होंगे। अभी ऑपरेशन चल रहा है, तब तक फिगर मैं नहीं बतलाऊंगा। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, फोर्सेज हैज ऑलरेडी मूव्ड देयर। मैं अभी सीआरपीएफ के जवानों का रेजिंग डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उनके लिए होता है, उनका स्थापना दिवस है। इन्हीं जवानों के आधार पर ही इस देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इनके हौसलों के, उनके हौसले की अफजाई करना भी ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरी तरह से दिल्ली में बातचीत करने के बाद तब मैं यहाँ आया हूँ और सीधे यहाँ अपने सीआरपीएफ के जवानों को एड्रेस करने के बाद वापस मैं दिल्ली जाऊंगा। हमारी सभी से, पंजाब के मुख्यमंत्री जी श्री प्रकाश सिंह जी बादल से, एनएसए से और होम सेक्रेटरी से और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी बात हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मैंने कहा है कि पूरी सीमाओं पर जो है अपनी फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाए। इसके उत्तर की ओर मेरा चुनावी क्षेत्र है कठुआ उधमपुर का और दक्षिण की ओर श्री विनोद खन्ना जी का। और इस क्षेत्र में पहले भी घुसपैठ इत्यादि की घटनाओं का की जानकारी मिलती रही है, परंतु हमें विश्वास है कि भारत सरकार सक्षम है हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए। किसी उसका डीसा पता करा रहे हैं, देन दे एंटर द पुलिस स्टेशन एंड दे फायर्ड ऑन द संतरी एंड देन इन द रिटेलियन फायर वी हैव एंगेज्ड देम इन द एडजॉइनिंग बिल्डिंग व्हिच इज अबंडेंट बिल्डिंग ए बैरक। So we are on the job, this is Punjab police on the operation. Then they have come for a bomb disposal setup. The four or five bombs also have been found on the railway track on way to Dinanagar to Pathankot. So Army DC Gurdaspur has requested the Army to dispose of the bomb. No, this is not now. Our own Punjab
पुलिस कमांडोज अवर ओन स्वैट टीम्स आर ऑन द जॉब एंड वी आर इन द ऑपरेशन। ईश्वर चंद्र शर्मा, आईजी बॉर्डर जोन। अब इनकाउंटर चल रहा है, इसलिए अभी पूरा ब्रीफिंग और पूरा तथ्य रखना अभी सही नहीं होगा। पाकिस्तान बॉर्डर में अभी जो डीजी बीएसएफ को हमारे होम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुआ, वहाँ सारा अलर्ट तो हो गया और जितना भी जो आसपास के जितने भी हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं सब भी अलर्ट में हैं और जरूरत पड़ेगा तो वहाँ जो घटना स्थल पर वहाँ भी सब राष्ट्रीय करेंगे। ब्रॉट टू नोटिस दैट देयर इज अ एनकाउंटर गोइंग ऑन, सो देन आई थॉट इट इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म द अदर साइड ऑफ व्हाट इज द थिंकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। सो आई रैंग अप श्री खरगेजी इन द मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम सर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, वंस द सिचुएशन बिकम्स क्लियर then the government want to make a statement in the house and this same thing he also has repeated, but the point madam maine aapse bhi baat kiya, aapko bhi avagat kara, maine itna hi kaha jo sadasyon ne mamla uthaya uske bare mein baad mein gruh mantri ji wahan ka mudbe samapt hone ke baad encounter samapt hone ke baad uske bare mein ek vaktavya denge, uske bare mein kisi ko pooch raha hai to samay pooch sakte hai, itna hi sarkar ki or se kaha hai, magar ye durbhagya hai इश्यू इतना गंभीर है, ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, द एंटायर हाउस शुड स्पीक विथ वन वॉइस, इफ दिस चेयर हैज अलाउड सम मेंबर टू रेज द इश्यू एंड द ऑनरेबल मेंबर हैज रेज द इश्यू एंड सम मोर मेंबर्स हैव जॉइंड हिम एंड एक्सप्रेस सॉलिडारिटी ऑन दैट इश्यू एंड देन वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड, देन आई ऑल्सो स्टूड अप एंड देन सेड अगेन वंस द एनकाउंटर इज ओवर द होम मिनिस्टर विल मेक ए स्टेटमेंट इन द हाउस, दैट्स व्हाट आई हैव सेड, there is nothing wrong done by the government one. Secondly, yes. Now it's very unfair with all us, with all my respect to Kharge ji, at this hour when the encounter is going on trying to find fault with the government about intelligence failure, this is not done. Kharge ji, what I request is let the encounter be over, the home minister will make a statement. Kul milakar 1.5 ghante mein 7 attack, aapko bata de 7 hamle, pehla hamla आर्मी यूनिफॉर्म में भारी हथियारों के साथ आए 4 आतंकवादियों ने सबसे पहले गुरदासपुर के दीनानगर में बस टर्मिनल पर पहुंचकर वहां पर अंधाधुंध गोलीबारी की। आईबी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान के नरोवाल के रहने वाले हैं। आतंकियों ने सुबह तकरीबन 5 बजे सड़क के किनारे बने चाय नाश्ते के स्टॉल पर फायरिंग की। दूसरा हमला इसके बाद टेररिस्ट ने मारुति 800 में गुजर रहे कमलजीत सिंह मथारू नाम के शख्स पर फायरिंग की। कमलजीत सिंह को गोली लगने के बाद आतंकियों ने उन्हें बाहर फेंका और कार में सवार हो गए। तीसरा हमला दीनानगर बाईपास पर आतंकियों ने कार के अंदर से सड़क किनारे फिर फायरिंग की। ढाबा चलाने वाले एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। चौथा हमला कार में सवार होने के बाद टेररिस्ट ने एक चलती बस को निशाना बनाया। यह बस दीनानगर से जम्मू के कटरा जा रही थी। बस के अंदर 25 से 30 पैसेंजर सवार थे। आपको बता दें कि काफी अमरनाथ यात्री कटरा से गुजरते हैं। आतंकियों की फायरिंग के कारण बस के अंदर मौजूद 4 यात्री घायल हो गए, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पांचवा हमला आतंकी दीनानगर पुलिस स्टेशन के पास मौजूद एक हेल्थ सेंटर में पहुंचे जहां उन्होंने जबरदस्त फायरिंग की। इसमें एक महिला समेत 3 सिविलियन की मौत हो गई, यहीं मौजूद एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। छठा हमला टेररिस्ट ने पुलिस स्टेशन के पास बने कॉम्प्लेक्स पर बाहर से गोलियां चलाई और यहां कई पुलिस अफसरों के परिवार रहा करते हैं। सातवां और आखिरी हमला आपको बता दें कि टेररिस्ट सुबह तकरीबन 6:30 बजे से पहले दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा जमाया, अंदर से बाहर की तरफ ग्रेनेड फेंके, AK-47 से गोलियां चलाई। पंजाब पुलिस के बॉर्डर जोन के IG ईश्वर चंद्र के मुताबिक आतंकियों ने किसी को बंधक नहीं बनाया, लेकिन वे पुलिस थाने पर हमले के बाद उसके पास बनी एक बिल्डिंग के अंदर चले गए और जहां लगातार मुठभेड़ की प्रक्रिया जारी रही। हमले के कुछ देर बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला, पठानकोट आर्मी कैंट और जम्मू से आर्मी कमांडोज बुलाए गए और इसी बीच एक हमला नाकाम हुआ। रेलवे पुलिस को दीनानगर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 5 बम मिले, उन्हें आर्मी ने डिफ्यूज कर रही है। और इसी विषय पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रफुल बक्सी हमसे जुड़ रहे हैं। बक्सी साहब स्वागत है आपका, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, थैंक यू। इस हमले को आप किस रूप में देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया है ये कि ये जो हो रहा है ये पिछले 18 साल से हो रहा है जी।
इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है जी। और इसमें हम और इसमें भी ये नई बात नहीं है कि हम हर बार सोते हुए पकड़े जाते हैं जी। प्रतिक्रिया करते हैं, अपने बहादुरी से लड़ते हैं, कुछ जाने गंवाते हैं और बात वहीं की वहीं रह जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अभी कोई सबक सीख ही नहीं रहे हैं, कोई कदम उठा नहीं रहे हैं। हमारी बड़ी वीकनेस जो थी वो वीकनेस वहीं की तैसी बनी हुई है और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता जा रहा है। बताया जाता है बख्शी साहब कि 30 सालों में ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है। 30 साल पहले जो हमला किया गया था उसमें वहां पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह साहब की हत्या की गई थी और उसके बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा एक हमला बताया जा रहा है, फिदाइन हमला। क्या कहेंगे आप, क्या फिर से पंजाब में आतंकवाद की पुनरावृत्ति करने की शुरुआत कहीं ना कहीं से कवायद तो नहीं? वो तो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है बहुत टाइम से, वो तो ट्राई करेगा कि पंजाब के आतंकवाद को फिर से जागरूक करे, उसको ये तो उसके हित में है बात, और वो करने की कोशिश कर रहा है। स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं और जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया वो यही किया। तो पंजाब हो या JNK भी हो, इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम की गलती है। हमको मीडिया को पूछना चाहिए हमारे में कमी क्या है। जी, जी, पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने हित में कर रहा है। मैं अगर पाकिस्तान में आऊंगा तो मैं भी यही करूंगा, नहीं तो बख्शी साहब कहाँ मिलेगा? बख्शी साहब, इसे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार आखिर किसकी नाकामी मानी जाए? चूंकि इतने बड़े सुरक्षा में सेन लगाकर दूसरे मुल्क से व्यक्ति अपने भारतवर्ष में प्रवेश कर जाता है, इसे किसकी नाकामी मानी जाए? ये सबकी नाकामी है, ये सेंट्रल सरकार की नाकामी है, स्टेट सरकार की नाकामी है। इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, वार्निंग आ चुकी थी ये, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर एक रसोई के अंदर आप 15 रसोइये बिठा देंगे तो आपका खाना नहीं बनेगा। यही प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है, आपके एक से एक सिक्योरिटी एजेंसीज बनी हुई है, सबके डायरेक्टर जनरल बने हैं पर काम कुछ नहीं होता क्योंकि तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज में। ये प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम है कि ये एक खबर दूसरे को नहीं देता और इसीलिए ये हताश हो है। तमाम जानकारी के लिए बख्शी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने तमाम बातें रखी है। कर्ण जोशी आपसे जानना चाहेंगे, बख्शी साहब की आपने बात सुनी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो क्या माना जाए इसे? जी बिल्कुल, अपने आप में जो बख्शी साहब ने कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आपसी तालमेल नहीं होगा, किसी चीज की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आप कभी भी किसी एक मसले के हल पर नहीं पहुंच सकते। जाहिर सी बात है जब आपसी तालमेल होगा, अगर कोई कमी रहती है या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जब वो इन्फॉर्मेशन गोपनीय होती है और जब वो एक प्रॉपर सोर्स के थ्रू जाती है तभी उस इन्फॉर्मेशन को देने का फायदा होता है, नहीं तो उस जानकारी के धरे पे धरे रहने में कोई कसर नहीं रह जाती। जैसा कि हाल ही में देखने में आया कि IB ने हालांकि पूरे तरीके से बताया था कि सीमावर्ती इलाकों पर बड़ी मात्रा में तकरीबन 200 की गिनती में आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं और उन्हें यह भी कहा गया था कि आप सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिसका ताज़ा खामियाजा बेकसूर नागरिकों को भुगतना पड़ता है, हमारे BSF के जवानों को भुगतना पड़ता है, जो सेना के जवान हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लापरवाही का दूसरा नाम मौत है, क्योंकि मामला ही ऐसा है आतंकवाद के नाम का जो नासूर है वह हमारे भारत की जड़ों में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ताज़ा मामला जो आया है वह पंजाब के गुरदासपुर में आया है। तो आपसी तालमेल जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी भी निष्कर्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपने सुना बख्शी साहब कह रहे थे कि एक तरफ से ये IB के इनपुट्स पहले से मिले थे और यही बात लगभग पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साहब कह रहे हैं, वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी होती है और जब IB ने ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया था तो उसके बाद वजह क्या है कि जो सिक्योरिटी जो बॉर्डर है जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें सील क्यों नहीं किया गया? देखिए जाहिर सी बात है, रही बात सीमावर्ती इलाकों को सील करने की, जी। जब तक उनके पास खबर पहुंची या जब तक उनके पास जानकारी पहुंची तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि IB से बहुत पहले आगाह कर चुकी थी कि तकरीबन 200 की गिनती में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए सीमा के अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल, रोकना चाहेंगे पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश मेहरा हमसे जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अभी ताजा हालात क्या है वहां? देखिए अगर ताजा हालात की बात करें तो अभी थोड़ी देर में जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है, अभी JNK की सरकार ने अभी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी है जिसको आतंकियों के जो उनको खदेड़ने के लिए, ताकि
कमांडो और पंजाब पुलिस के लोग जो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन चारों टंकियों को जिनकी लग रहा है अभी 3 से 4 टंकी वहां हैं और एक टंकी पहले मारा जा चुका है और दूसरे की भी खबर आ चुकी है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि ये कमांडो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाकर और इस आतंकियों को काबू पा पाते हैं कि नहीं। राजेश, आतंकियों की एक्चुअल संख्या कितनी है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक और जो पुलिस के मुताबिक और आर्मी के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग तो कंफर्म है और एक हो सकता है एक महिला भी हो। जी, महिला के बारे में तो एक पुलिस कांस्टेबल ने यह बयान दिया था कि जब जिस समय इस पुलिस स्टेशन के पास लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी तो उसमें एक महिला भी शामिल थी, ये प्रत्यक्षदर्शी का ये स्टेटमेंट था। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेलवे ट्रैक की क्या स्थिति है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक पर 5 बम बरामद हुए हैं उससे महज 100 मीटर के अंतराल पर रिहायशी इलाका है, तो आखिर माना क्या जाए इसके पीछे का मंसूबा आतंकियों का? देखिए, बिल्कुल जो साथ में पड़ते रेलवे ट्रैक थे उसमें 4 से 5 जो बम मिले हैं उनसे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आतंकी थे इन्होंने पहले ही रेखी कर रखी थी और इस इलाके का पहले ही वो जानकारी थी और ये बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हालांकि उनके पास AK-47 और ये हो सकता है इनके पास, जैसे खुलासा किया गया है आर्मी ने, इनके पास बहुत ही आधुनिक जो वेपन है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए वेपन है जिनसे ये गोलियां चला रहे हैं। ये आपसे ये जानना चाहते हैं राजेश, एक आखिरी सवाल है मेरा कि मुंबई में 26/11 को जो हमले हुए थे वो इसी तरीके से समकक्ष तरीके से हुए थे, इसको इसी समकक्ष में देखा भी जा रहा है, क्योंकि मुंबई में भी समुद्री छोर से जो लोग भी आए थे उससे पहले उन्होंने अच्छी खासी रैकी कर रखी थी, उन्हें उन इलाकों की तमाम जानकारियां थी, तो क्या ये माना जाए कि 26/11 की तर्ज पर भी ये पंजाब के ये इस इलाके में जो आतंक कह रहे हैं बॉम्बे की जो 26/11 की घटना थी उसके ये साथ ही थोड़ा सा मिलता है, लेकिन आतंकवादियों का सबसे पहला निशाना था अमरनाथ यात्रियों पर, उन्होंने निशाना साधना था अमरनाथ यात्रियों पर, उन्होंने गोलियां डालनी थी, लेकिन जो पहले उन्होंने एक टेम्पू को रोकने की कोशिश करी, टेम्पू में किसी तरह से असफल रहे, उसके बाद उन्होंने यात्री बस पर जो चंडीगढ़ जा रही थी उस पर निशाना साधा, 7-8 लोग वहां उसने घायल हुए, लेकिन बस ड्राइवर ने बहुत ही मुस्तैदी से उसको बस में वहां से निकाल लिया और बाद में उन्होंने सफेद मरुति कार को पकड़ा और इस पुलिस स्टेशन में घुस गए। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आतंकी है वो हो सकता है पाकिस्तानी होने का पूरा शक है और लश्कर तोबे का जो इसमें हाथ माना जा रहा है। लश्कर तैयबा की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि लश्कर तोबे का हाथ माना जा रहा है। अभी की जो स्थिति है वहां की, अभी की स्थिति जो है, अभी के जो हालात हैं, प्रकाश सिंह बादल साहब कह रहे हैं कि आईबी के इनपुट्स मिलने के बाद भी केंद्र सरकार ने जो सिक्योरिटी जो बॉर्डर है उसको सील नहीं किया है और यदि जो बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी होती है इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, ऐसा है, अगर जानकारी की बात करें तो आईबी ने 24 तारीख को ही पहले बता दिया था कि पंजाब में कुछ आतंकवादी हैं जो छोटे छोटे ग्रुपों में यहाँ पहुंच चुके हैं, इसको आप कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के चलते आज सीएम प्रकाश सिंह बादल जी का बयान आया, उन्होंने बोला है कि हमें जानकारी थी आईबी की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी की कोई भी हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि जो आतंकवादी हैं जो बॉर्डर के रास्ते से पंजाब में शामिल प्रक्रिया है, इसलिए बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसको अगर थोड़ा सा और सख्त किया जाए तो कोई भी तो है उसमें नहीं आ सकता। कुल मिला के बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल को यदि और भी मुस्तैद किया जाए तो इस तरह की घुसपैठ नहीं होगी, ये हमारे राजेश मेहरा ब्यूरो चीफ पंजाब के वो बता रहे थे। तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप नजरें बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए आपके पास दोबारा आएंगे। तो हमारे अपने ब्यूरो चीफ बता रहे थे, कर्ण आपने सुना? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर एक पुरानी कहावत है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कार्रवाई करने की जी। और ये चाहे कहते अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं हमारे भारत में आमतौर पर यह चीज़ देखने में आती है जब कोई समस्या आती है हम बजाय उसका निदान करने के, हम उसका हल ढूंढने के बजाय दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई हाँ भाई हमने नहीं ये कुछ किया उसकी गलती थी। यही बात कुछ हमारी पंजाब सरकार के बारे में देखने में आ रही है, बजाय इसके वो केंद्र के साथ जैसा कि बख्शी जी बता रहे थे आपसी कोऑर्डिनेशन तालमेल तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि चुनावों में दोनों पार्टियां एक साथ हैं, चाहे वो केंद्र की भाजपा हो या वो प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल की पार्टी हो, दोनों एक साथ हैं, लेकिन जहां पर उन्हें आपसी तालमेल बनाना चाहिए, बैठ के मीटिंग करनी चाहिए कि समस्या से कैसे निपटा जाए, वो करने के बजाय उल्टा प्रकाश सिंह बादल जी केंद्र सरकार पर तोहमत लगा रहे हैं, उनके सर पर ठीकरा फोड़ के
अपने आप को साफ सुथरा कर रहे हैं। यही नहीं, संसद में मानसून सत्र चल रहा है, वहां इतने गंभीर मसले पर चर्चा होने की जरूरत है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी होता नहीं देखा गया। तमाम जानकारी के लिए कर्ण जोशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया है, देश भर में इसकी निंदा की जा रही है, अपितु देश भर नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर इसकी निंदा हो रही है। और राजपाल हमसे जुड़ रहे हैं। राजपाल आपका स्वागत है, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? राजपाल एक आखिरी सवाल आपसे एक संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 5:30 बजे के आसपास अल सुबह इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है, बताया ये जाता है कि जो भी घुसपैठिए घुसे थे वो जा रहे थे कठुआ की तरफ, लेकिन दिशा भ्रमित होने के कारण गुरदासपुर में ही उन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया, कितनी सच्चाई? देखिए, ये तो जिसने भी ये सूचना दी है और जिसने भी ये बताया है, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो थाने को चुनाव करना और थाने के अंदर घुसना और ये एक प्रॉपर होमवर्क किया गया प्लान है आतंकियों की तरफ से, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो थाना है उनके लिए कितना सेफ है और ये थाना ही उनका जो जी क्योंकि इसके एक साइड तो हॉस्पिटल है और दूसरी साइड जो है यहाँ पुलिस मुलाजमों की कॉलोनीज हैं, उनके परिवार रहते हैं। तमाम जानकारी के लिए राजपाल हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में जब वारदात हो जाती है, घटना हो जाती है, उसके बाद ही लकीर पीटने की कवायद शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब आतंकी वारदातें हुआ करती हैं तो उसके बाद इनिशिएटिव लेकर एहतियात बरतने के लिए आगे का प्लान क्यों नहीं तैयार कर पाती हैं सरकारें, ये एक बड़ा सवाल है। यदि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां आगे भी जारी रही तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत पर एक ऐसा समय आएगा कि जब आतंकवादियों का इस पर कब्जा होगा, चूंकि पूरी गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है खास करके भारत पर, और हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। बहरहाल, हमारे इस आज के खास कार्यक्रम गुरदासपुर में आतंकी हमला में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे तक सिर्फ लेमन न्यूज पर। अच्छी खबर, तीखी खबर, सच्ची खबर, आम खबर, अहम खबर,